वॉलरस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे जो कि हमारा पहला टॉपिक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इनमें दो प्रमुख इकोनॉमिक्स थे, एक मार्शल हैं एक वार्सलियम है। इन्होंने पार्शियल इक्विलिब्रियम को प्रपाउंड किया और वार्सल ने जनरल इक्विलिब्रियम को प्रपाउंड किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वार्सल का जनरल इक्विलिब्रियम है। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा पूरी तरह से मार्शल का अपोजिट है ये, एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है मार्शल के पार्शियल इक्विलिब्रियम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वॉलरस साहब, कह रहे हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में किसी भी प्राइस, किसी भी गुड का जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी कि किसी भी गुड का जो प्राइस है वो दूसरे यानी अदर गुड्स के प्राइस पे डिटरमाइन करेगा। और भी कुछ कहते हैं ये बातें, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई गुड है एक्स, उसके प्राइस में चेंज आ जाता है, ये डेल्टा मैं चेंज के लिए यूज कर रहा हूँ, उस प्राइस में चेंज आ गया एक्स के जगह, इससे क्या होगा, जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइस में साथ ही साथ क्वांटिटी में चेंज आएगा, क्वांटिटी जो डिमांड है उसकी चेंज हो जाएगी। और ये जो अदर गुड में चेंज आया है उसकी प्राइस में, उसकी क्वांटिटी डिमांड में, इससे क्या होगा, जो एक्स गुड था उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आ जाएंगे। ये बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, तो सप्लीमेंट्री गुड के बारे में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जल्दी क्या होता है कि इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। तो लेबर में कोई चेंज आ रहा है, इनपुट में कोई चेंज आ रहा है, आउटपुट में कोई चेंज आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंज आ रहा है, सप्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे प्राइस के, दूसरी कमोडिटी के प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं वरना दिमाग से चला जाएगा आपके। एग्जाम्पल में क्या, मान लीजिए ब्रेड एंड बटर है, ये ब्रेड है ये बटर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर इसका दाम बढ़ेगा तो इसका भी दाम बढ़ेगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर अगर इसकी क्वांटिटी घट जाएगी, अगर बटर है ही नहीं तो कौन जाएगा ब्रेड खरीदने, उसकी भी क्वांटिटी घट जाएगी। साथ ही जब क्वांटिटी जो डिमांडेड है ये घट गया तो इसका प्राइस भी घट जाएगा। तो जनरली इन सारी बातों की बात कर रहा है, मतलब अगर आप वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम समझना चाहते हैं तो हमेशा आपको ये सारी चीज़ें बात में रखनी होगी, सप्लीमेंट्री गुड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। और कोई भी चेंज की अगर ये बात कर रहे हैं कि प्राइस में इसके में चेंज हुआ तो दूसरे की क्वांटिटी में चेंज आएगा, तो जान जाइए इसी से संबंधित है, मतलब सप्लीमेंट्री गुड के चेंज में कोई चेंज होगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के चेंज में कुछ चेंज होगा, फैक्टर ऑफ कॉस्ट में कोई चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी प्रोडक्शन में चेंज होगा, उसकी प्राइस में चेंज होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए वॉलरस ने अपनी जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी। और वहीं लास्ट लाइन जो है ये बात कर रहा है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, पीछे यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम की, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो मार्शल साहब थे उन्होंने मान लिया था कि अगर जो प्राइस है एक्स इसमें कोई चेंज हो रहा है तो बहुत ही कम या फिर कह लीजिए निग्लिजिबल इम्पैक्ट देगा किसी अदर प्राइस पे, मतलब वाई के प्राइस को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसके क्वांटिटी को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, जिसको हम सेटेरिस पेरिबिस कह रहे थे। इस सिद्धांत पे मार्शल ने अपनी थ्योरी दी थी, पर वॉलरस ने क्या किया, इस थ्योरी को ही डिस्कार्ड कर दिया, कहा कि प्राइस अगर डिटरमाइन करना है तो इन
डिपेंडेंटली नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं हम आगे अगली स्लाइड में। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये दो चीज़ समझाना चाह रहे हैं। क्या है वो? पहला तो ये बता रहे हैं कि जो प्राइस है गुड का, उसमें कोई चेंज हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जो प्राइस है और क्वांटिटी है अदर गुड्स की, वो उस पर इम्पैक्ट डालेगी। क्यों इम्पैक्ट डालेगी? क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। यानी जो मैंने शुरू में कहा आपसे, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वॉलेस का पूरा फोकस इन्हीं पे है। अगर हम बात करें पार्शियल इक्विलिब्रियम में, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम वैलिड नहीं हो पाएगा ऐसी सिचुएशन में, पूरी तरह से डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे उस वॉलरस ने यही करने का प्रयास किया है। ये सिचुएशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के साथ चलें, यानी वॉलरस के साथ चलें। आगे कहते हैं ये जनाब कि जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, ये इंटर रिलेशन इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट है। और इसका ये इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंस गुड्स का आपस में, ये इक्विलिब्रियम को डिसाइड करता है, यानी एडजस्ट करता है, एडजस्ट इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वो क्वांटिटी सप्लाई के बराबर जब हो जाएगी, तो उसी सिचुएशन को हम जनरल इक्विलिब्रियम कहेंगे। एडजस्ट होने के बाद जहाँ पे ये क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी उतनी जहाँ पे सप्लाई हो पा रही है, वहाँ पे वॉलेस का जनरल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी प्राइस मिल जाएगी इक्विलिब्रियम वाली। लास्ट और आखिरी जो इस स्लाइड में पॉइंट है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो चेंज है डिमांड में, सप्लाई में, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ये क्या करेगा? ये चेंज लाएगा, अगर कोई भी चेंज आ रहा है डिमांड में, सप्लाई में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो ये चेंज लाएगा प्राइस और क्वांटिटी में। इसको आप ऐसे समझिए, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइंड हो रहे थे। मान लीजिए डिमांड बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा? प्राइस भी चेंज हो गया, क्वांटिटी भी चेंज हो गया। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी चेंज अगर हो रहा है डिमांड में, सप्लाई में, तो वो प्राइस और क्वांटिटी में चेंज लाएगा। और इससे क्या होगा? इससे एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट। और ये तब तक चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ना मिल जाए। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मैंने अभी मतलब समझाया कि जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है। जनरल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम पॉइंट इसे कहते हैं जहाँ पे क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाई के बराबर आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट का, ये तब तक चलता रहेगा जब तक क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर ना आ जाए, या कहें कि न्यू इक्विलिब्रियम ना मिल जाए हमें। बढ़ते हैं हम आगे अपने अगली स्लाइड पे। यहाँ पे भी तीन मुख्य पॉइंट हमें जाननी जरूरी है। पहला जो पॉइंट है, ये बात करता है कि आखिरकार जो गुड है उसका क्वांटिटी किस पे, उसका जो फंक्शन है, यानी कि आप जो ऐसे लाइन खींचते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड अकॉर्डिंग टू वॉलरस, ये डिपेंड करता है प्राइस के फंक्शन में। अगर प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, ये सप्लाई को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, इसके बारे में ही बतलाते हैं, यानी कि ये लाइन हमको कहाँ से मिलेगी, सप्लाई की लाइन। तो इसके लिए क्या कहते हैं? इसके लिए कहते हैं कि जो क्वांटिटी सप्लाई है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिटरमाइन करेंगी। वैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, मैनेजमेंट होता है, टेक्नोलॉजी होता है, कैपिटल होता है,
रेंट होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, पर मुख्य चार लिए जाते हैं और उनमें भी मुख्य दो लिए जाते हैं, लेबर और कैपिटल। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने दूसरे पॉइंट पे स्लाइड के, जो कि ये है। यहाँ पे वॉलरस जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वॉलरस जी कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी हैं, एक्स वाई है, इनमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो ये क्या चेंज ला सकती हैं, ये घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि आप इसको इससे समझिए, आपने आईसी कर्व के बारे में पढ़ा होगा, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। आईसी कर्व ऐसे जाता है जहाँ पे किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, सेटिस्फेक्शन जो पावर होती है वो बराबर होती है। दो कम्युनिटी लेते हैं हम एक्स एंड वाई, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो इसमें होता क्या है, अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो बंदा जो है, जो कंज्यूमर है, वाई की तरफ भागने लगता है, और अगर वाई का दाम बढ़ जाएगा तो बंदा एक्स की तरफ भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ानी है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, अगर जो क्वांटिटी है उसकी प्राइस में चेंज आ रहा है, जो गुड्स मौजूद है बाजार में, तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें भी चेंज आएगा। पहली बात ये कह रहे हैं। दूसरी बात यह कहना चाह रहे हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर कैपिटल, दो ही लेके चल रहा हूँ मैं, इसमें अगर कोई चेंज आता है, इनकी प्राइस में कोई चेंज आएगा, तो ये मुख्यतः जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है उस पर इनका प्रभाव पड़ेगा। एक्स और वाई की जो सप्लाई हो रही है उस पर ये चेंज लेके आएंगे, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज आ रहा है। और लास्ट में अगर जनरल में देखें, तो अगर चेंज आ रहा है डिमांड और सप्लाई में, डिमांड और सप्लाई में चेंज क्यों आएगा, प्राइस की वजह से या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, जो हमने पहले दो बार में देखा। इससे क्या होगा, चेंज आएगा प्राइस में और क्वांटिटी में। प्राइस में अगर चेंज आ गया, क्वांटिटी में चेंज आ गया, इससे ऐसे देखिए, डिमांड चेंज हो गई, सप्लाई चेंज हो गई, ठीक है, तो हमको एक नया प्राइस मिलेगा, एक नई क्वांटिटी मिलेगी। यही कहना चाह रहे हैं ये, यानी कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, हमको एक नया इक्विलिब्रियम मिल गया। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होगा, और वही जगली जनरल इक्विलिब्रियम होगा किसका, वॉलरस का। इसके अलावा क्या कहना चाह रहे हैं ये, तो इसके अलावा इनकी लास्ट पॉइंट है ये इस स्लाइड में, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट गुड्स होते हैं बाजार में। अगर गुड्स की प्राइस में, क्वांटिटी में या उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज आता है, अगर कोई चेंज आएगा तो उससे रिलेटेड हुए डिमांड जो है, उससे रिलेटेड गुड्स के डिमांड में चेंज आएगा। आप ऐसे समझिए कि जैसे मैंने ब्रेड एंड बटर का दिया था, इसमें कोई चेंज आएगा तो इसमें चेंज आएगा, यानी अगर बटर कम बिकेगा, कम होगा, तो ब्रेड भी लोग कम खाएंगे, उसकी कम डिमांड करेंगे, यानी कि रिलेटेड जो गुड्स हैं उसकी डिमांड में, उसकी डिमांड में, उसकी सप्लाई में कमी आएगी, उसकी प्राइस में गिरावट होगी। यही बार बार दोहरा दोहरा के एक ही बात कह रहे हैं। तो चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। एक प्रकार से मुख्य स्लाइड है, अभी तक तो हमने बकवास सुना, बकवास इन सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो आपने सुना, तो उनमें वॉलरस ने क्या करने का प्रयास किया है, उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि आखिर मार्शल गलत क्यों है, उनकी थ्योरी गलत क्यों है। मार्शल जिन चीज़ों की बात नहीं करते हैं, जिनको स्टार्टिंग में ही एजप्शन में वो कहते हैं इनको मानिए ही ना क्योंकि जटिल हो जाएगा प्रोसेस, या उतना फ़र्क नहीं पड़ता है रिलेटेड गुड्स पे, वॉलरस क्या कहते हैं उसी पे पूरा फोकस डाल देते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, इसी पे अपना पूरा फोकस कर देते हैं, वो आपने देखा। अब इनके मेन थ्योरी पे हम आते हैं कि कैसे चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्राइस है वह वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइस जो है, यहाँ पे प्राइस, ये ऑल प्राइस से इनका मतलब है, जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी सारी प्राइस को ही देख रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एक गुड का प्राइस जो है वो डायरेक्शन देता है दूसरे गुड के प्राइस को।
वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। और वालरस का जो प्राइस डिटर्मिनेशन का थ्योरी है उसमें प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस खुद में तो मैग्नीट्यूड उसमें है ही है, साथ ही साथ दूसरे के प्राइस को डायरेक्शन देता है वो। तो एक जनरल अप्रोच है, एक जनरल तरीका है प्राइस को निकालने का, जिसमें सारी प्राइस को एक साथ लिया जाता है, और जब आप हर एक प्राइस को एक साथ ले लेंगे तो डायरेक्शन देने लगते हैं, ऐसा कहना था वालरस का। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि वालरस ने जब खुद से पूछा कि आखिर क्या डिटरमाइन करता है किसी गुड के क्वांटिटी को, तो उनका उत्तर होता है कि रिलेटिव प्राइसेस, कि जो गुड है मान लीजिए एक्स, एक्स गुड था, उसकी क्वांटिटी इस पे डिफाइंड नहीं होगी कि उसका प्राइस क्या है। एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर ये भी है, पर मुख्यतः ये इस पे डिटरमाइन होगा कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस क्या है, यानी कि उसको मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम करनी है अपनी। फिर तो ये कैसे पता लगाएंगे भैया मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो उसके लिए फार्मूला बताया गया कि कंज्यूमर कैसे अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को पता करता है और कैसे वो इक्विलिब्रियम अपना अचीव करेगा कि कहाँ पे मैं कितना पैसा खर्च करूँ। तो डिटरमाइन होगा इस पे कि उस बंदे को एक्स की मार्जिनलिटी कितनी मिल रही है और वाई की मार्जिनलिटी कितनी मिल रही है उसके प्राइस पे, एक्स की प्राइस पे और वाई के प्राइस पे। इनका हम रेशियो लेंगे जब, और ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे, वहीं पे वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम होगा। लास्ट जो है ये कहते हैं कि परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में सब होगा, परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो रहा है। अब लगभग ख़त्म हो चुका है आपका वॉलरस, अब यहाँ फिगर देख रहे होंगे, इनको फिगर को देख के डरिए मत, ये जनरल सी फिगर है, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ले ली गई है, इन दोनों फिगर को एक साथ देखिए पहली बात, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये जो पहला फिगर है ये एक्स कम्युनिटी को दिखा रहा है, दूसरा फिगर वाई कम्युनिटी को दिखा रहा है। ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये उस पर पैसा खर्च कितना हो रहा है उसको बता रहा है, और ये डिमांड है। किसी प्रोडक्ट पे उनको गेन हो रहा है इतना, और किसी प्रोडक्ट पे उनको लॉस हो रहा है इतना। ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में कोई एक्स ही गुड होते हैं जो बिकते हैं और कंज्यूमर खरीदते हैं, काफ़ी सारे गुड्स होते हैं। एक जनरल अप्रोच लेंगे तो एक्स एंड वाई ले लेंगे कि दो गुड्स होते हैं दुनिया में जिन पे भी एक कंज्यूमर अपने पैसे खर्च करता है, किसी पे इतना गेन हो रहा है उसको, किसी पे इतना लॉस हो रहा है, उसको देखते हुए उसकी टोटल मार्जिनलिटी का ग्राफ बनाएंगे, और जहाँ पे ये दोनों बिंदु मिलेंगे वही उसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। किसका इक्विलिब्रियम? वार्सल जनरल इक्विलिब्रियम। तो कुल मिला के इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ये बस एक पिक्टोरियल वे है किसी चीज़ को दर्शाने का, यानी कि वायरलेस के जनरल इक्विलिब्रियम को दर्शाने का। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपको वॉलरस स्टेबिलिटी पे पहुंचना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को पहले डिस्टर्ब करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, बेसिकली डिस्टर्ब करिए। मतलब क्या किया इन्होंने कि यहाँ देखिए P0 से P2 पर प्राइस कर दिया, इससे क्या हुआ, साथ ही साथ क्या किया, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको ये सेकेंड पॉइंट है वैसे, साथ ही साथ क्या किया वॉलरस के हिसाब से कि जो सप्लाई थी उसको बढ़ा दिया, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको बढ़ा दिया। एक तो प्राइस बढ़ा दी, सप्लाई बढ़ा दी, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इससे क्या होगा, सप्लाई तो बढ़ गई पर डिमांड घट जाएगी, कंज्यूमर जो है डिमांड कम करेगा। क्यों? क्योंकि वॉलरस ने माना है कि जो डिमांड है वो फंक्शन है प्राइस का, और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइस जो है P0 से P1 पे ला रहे हैं, तो जैसे प्राइस बढ़ी तैसे डिमांड जो है वो घट गई।
फिर क्या कहते हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यही होगा कि जो प्राइस थी वो और नीचे आएगी और पी जीरो से भी नीचे चली जाएगी। ठीक है, पी जीरो से भी नीचे चली जाएगी, कहीं यहाँ पे चली आएगी, ये तो होगा ही। साथ में अब क्या होगा, क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे चली आई है, प्राइस नीचे आ गई है, तो सप्लायर क्या करेगा, उसको प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है, प्रॉफिट वो नहीं पा पा रहा है, तो सप्लाई क्या करेगा, घटा देगा। वो भी जानता है जब चीज़ें कम होगी, जब बाज़ार में मार्केट में मोनोपोली की सिचुएशन होगी, तो हम जो है प्राइस को बढ़ा सकेंगे। यानी जब सप्लाई को घटा दिया, क्वांटिटी जो है कम हो गई, प्राइस कम है, प्राइस कम होने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ी कंज्यूमर की। क्वांटिटी कम होने की वजह से जो डिमांड है और बढ़ा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइस पुनः वहाँ से उठेगा और ऊपर जाएगा, और क्वांटिटी डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर जो है, जो कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए सप्लायर जो है क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाएगा, और जहाँ पे ये मिल जाएगा वहीं पे वॉलरेस का जनरल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इसी को ये क्या कह रहे हैं वॉलरेस जी, ये कह रहे हैं कि वॉलरेस स्टेबिलिटी है ऑन एन इक्विलिब्रियम पे। मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ पे था इनका, क्यू डी इक्वल टू क्यू एस, ये भी अचीव हुआ, और अचीव हुआ तो ये क्या है, वॉलरेस स्टेबिलिटी है। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड पे लगभग, तो लास्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है ये पिछले स्लाइड में लिखा हुआ था। यहाँ पिछले स्लाइड से मतलब है मेरा पार्लेस इक्विलिब्रियम के लिए, पार्शियल इक्विलिब्रियम से, जो कि मार्शल ने दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये वॉलरेस ने जनरल इक्विलिब्रियम दिया है, ये पूरी तरह से अपोजिट है किसका, पार्शियल इक्विलिब्रियम का। देखते हैं कैसे, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये स्टेबल है, यहाँ पे दो के सिचुएशन है, स्टेबल और अनस्टेबल। जब आपने मार्शल का पढ़ा था तो वहाँ पे ये सिचुएशन अनस्टेबल थी, और ये कुछ ये था। सिमिलरली जो बचे हुए हैं ये अनस्टेबल है वॉलरस में, पर ये स्टेबल था मार्शल में। अब ऐसा क्यों होता है, पिछले स्लाइड में बताया था मैंने कि वॉलरेस स्टेबिलिटी क्या है, जहाँ पे वो सप्लाई बढ़ा के इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाए, और उनके हिसाब से, वॉलरेस के हिसाब से ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्थिति है। फिर से मैं बताता हूँ, पिछली स्लाइड पे चलते हैं। ये पहला वाला देखिए, वॉलरेस स्टेबिलिटी जब हम प्राइस को डिस्टर्ब करते हैं, प्राइस डिस्टर्ब कब हुई थी, जब पी से पी टू हुआ और साथ ही सप्लाई को बढ़ा दिया गया था। देख रहे हैं यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ाई है, प्राइस को भी बढ़ाया है, प्राइस को डिस्टर्ब किया है। आगे चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, यहाँ पे भी सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो वॉलरेस की स्थिति में क्या हो जाता है कि जहाँ पे भी सप्लाई ज़्यादा है उस स्थिति में स्टेबिलिटी होगी, और जहाँ से भी इक्विलिब्रियम जो है वो सप्लाई के कम होने के बाद अचीव की जा रही है, मतलब कम था अब उसको बढ़ाया जा रहा है, तब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा ये, अनस्टेबल। फिर से देखें, ये यहाँ पे सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है, डिमांड से कम है, जनाब ने इसको बढ़ाया तभी जाके इनको इक्विलिब्रियम मिला, ये सिचुएशन इनस्टेबल की है वॉलरेस के हिसाब से। और यहाँ पे क्या है, सप्लाई पहले से ही ज़्यादा है डिमांड से, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो वहाँ पे वॉलरेस स्टेबल होगा, प्राइस ज़्यादा होगी। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम केवल एजम्पशन हमको देखना है, वो भी देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा वॉलरेस जनरल इक्विलिब्रियम समाप्त हो जाएगा। मैं इस बार ये चारों तीनों पॉइंट को एक साथ बता दे रहा हूँ, तीन पॉइंट्स दी गई हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है। पहली बात तो ये कि मार्शल ने अपने जनरल इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन को माना है, कि
कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। दूसरा मानना है कि जो फैक्टर है मोबाइल है। मोबाइल मतलब क्या कि मान लीजिए ये कोई कंट्री है, इस कंट्री में एग्जांपल लेते हैं दूसरा, मुंबई और चेन्नई, मुंबई और चेन्नई में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो दोनों समान है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा है। और तीसरी बात इसी में है कि जो इनपुट है और आउटपुट है इसको आप क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब क्या कि इनपुट कौन से फैक्टर्स हैं और आउटपुट क्या है, लैंड लेबर, ठीक है, फिनिश गुड, और क्या कह रहे हैं इसी में, साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है और डिमांड फंक्शन है इन दोनों को आप दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करिए और दूसरी बार भी डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये बेसिकली मैथ्स से रिलेटेड है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से। दूसरी पॉइंट में कहता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या, जो मोबिलिटी थी वो केवल एक नेशन तक लिमिटेड है, ये नहीं कि इंडिया और अमेरिका में दोनों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम है, ऐसा नहीं है। लास्ट है कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि ये मान लीजिए आउटपुट है, ये इनपुट है, तो इनपुट में जितनी यूनिट से चेंज होगा उतनी यूनिट से इसमें भी चेंज होगा। आप ऐसे समझिए कि अगर मैंने एक यूनिट लेबर लगाया, एक यूनिट कैपिटल लगाया, तो मुझे एक यूनिट प्रोडक्ट मिलेगा। अगर दो यूनिट लेबर लगाया, दो यूनिट कैपिटल लगाया, तो दो यूनिट आउटपुट मिलेगा मुझे। तो ये है कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला जो टॉपिक था वो समाप्त होता है।